कुछ ही सेकंड लगेंगे आपको हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है एग्रीकल्चर की सच्चाई। जी हाँ दोस्तों मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर की मैं पूरी सच्चाई बताऊंगा कि एग्रीकल्चर में आखिर क्या है, क्या आपको जॉब मिलेगी या नहीं, क्या आपका प्लेसमेंट होगा या नहीं, क्या आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे या नहीं, इसमें सरकार की क्या मंशा है, ये सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दें और एग्रीकल्चर का मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इसकी सच्चाई भी आपको जानना जरूरी है। अगर आप इसकी सच्चाई नहीं जानेंगे तो क्या होगा कि आप इसमें आ जाएंगे और दूसरों को कोसते रहेंगे पूरी जिंदगी कि हमको इसमें जानबूझ के लाके फंसा दिया गया है। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि एग्रीकल्चर की सच्चाई क्या है। तो दोस्तों क्या होता है कि हम अपने रिलेटिव, अपने घर वालों के कहने पर या फिर अपने दोस्त के कहने पर या फिर हमारे नजदीक में कोई जॉब पाया हुआ होता है उसे देखकर मोटिवेट हो जाते हैं और हम एग्रीकल्चर की पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आपने एग्रीकल्चर की पढ़ाई को लेकर बेस्ट डिसीजन लिया है, मैं तो ये कहूंगा क्योंकि ये डिसीजन बेस्ट है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम कहां पर है, जैसे कि आपने एग्रीकल्चर ले लिया, दिन प्रतिदिन इसमें कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो आपको बता दें कि इसमें जो सरकार हमारी है गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चे दिन प्रतिदिन एग्रीकल्चर की तरफ आकर्षित हों। तो दोस्तों सरकार यही चाहती है कि किसी भी तरीके से बच्चे जितने इसमें आ सके आ जाएं, क्योंकि हमारे देश के जो फार्मर्स हैं वो थोड़ा वीक हैं, उनके पास ऐसी नॉलेज नहीं है जो फार्मिंग से अच्छा खासा पैसा कमा सके और अपनी जिंदगी को, अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको बेस्ट बना सके। इसीलिए सरकार चाहती है कि पहले हम उन युवाओं को पकड़ते हैं जो आने वाले भविष्य में एग्रीकल्चर को बेस्ट बना सकते हैं, क्योंकि फार्मर्स जो होते हैं दोस्तों अभी तक वही बनते थे जो ओल्ड एज में हो जाते थे, फार्मर्स बनने का कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता। इसीलिए गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पर पूरा फोकस किया ताकि बच्चे इसमें आ जाएं, और जब बच्चे काफी ज्यादा आ जाएंगे तो होगा क्या दोस्तों आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता दें कि 100 में से वो अगर 20 बच्चों को जॉब देती है तो 80 बच्चे जो होते हैं वो जॉब नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों 80 बच्चों को जॉब गवर्नमेंट देने भी वाली नहीं है, क्योंकि उन 80 बच्चों को सर गवर्नमेंट चाहती है कि आप खुद का बिजनेस स्टार्टअप करें। और एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आपको मिनिमम कास्ट से यानी कि कम से कम पैसे में बेस्ट बिजनेस तैयार करने का अपॉर्चुनिटी है, यानी कि आप कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा अच्छा बिजनेस तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि जितना बच्चे आ सके आने दो, और गवर्नमेंट इसको एग्रीकल्चर में इसीलिए सपोर्ट कर रही है और एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रही है ताकि आने वाले युवा जो फार्मर्स बने वो फार्मर्स भी बने तो कितनी साफ सफाई से रह के और कितने बेस्ट तरीके से उन ट्रेडिशनल फार्मिंग यानी कि जो हमारे पुराने टाइम में जो खेती होती थी, जैसे कि फावड़ा चलाना खेतों में, दोस्तों फावड़ा चलाना खेतों में ही किसान नहीं बना जा सकता, वो काम आप नहीं करने वाले हैं, किसान बनने के लिए उसकी जरूरत भी नहीं है। दोस्तों ये सब अगर आप करते भी हैं तो इसके लिए फार्मिंग सूट आता है, बेहतर तरीके से बन के आप कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्म आप खोल सकते हैं। तो गवर्नमेंट हमारी चाहती है कि हम बिजनेस करें। और रही बात एग्रीकल्चर में जॉब के बारे में बात करें तो दोस्तों एग्रीकल्चर में जॉब तो अच्छे खासे हैं, बस यही है कि इसकी जो पोस्ट है वो कम आती है लेकिन रेगुलर जॉब्स आती रहती हैं। तो अगर आप जॉब इसमें तलाश करते हैं तो आप ग्रेजुएशन के बाद जॉब की प्रिपरेशन में लग जाइए, और मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जितने होते हैं वो सब अगर एमएससी की पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका फोकस सिर्फ एक जगह होता है, वो होता है नेट। तो दोस्तों अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।